और चलिए शुरुआत करते हैं महारण 2024 के लोकसभा चुनाव को लेकर के अहम खबर के साथ। बड़ी खबर इस बीच सामने आ रही, अंतिम चरण में दिग्गजों ने पूरी ताकत झोंकी हुई है और सातवें चरण के लिए चुनाव प्रचार भी तेज हुआ है। बात कर ले गाजीपुर की, वाराणसी की, जहां पर दिग्गजों की सभा हो रही है। मिर्जापुर में भी पार्टियों ने पूरा दम लगाया हुआ है, तो तमाम दिग्गज चेहरे नजर आ रहे हैं। तो हमारे साथ वाराणसी से राजू श्रीवास्तव और इसके साथ साथ गाजीपुर से सूर्यवीर जुड़ गए हैं। राजू, देखिए वाराणसी की बात की जाए, यहां से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तीसरी बार चुनावी मैदान में हैं, क्या माहौल इस वक्त आपको नजर आ रहा है, क्योंकि प्रचार का जो शोर है वो बेहद तेज है। देखिए, अंतिम दौर का मतदान होना है, ऐसे में सारे राजनीतिक दल अपने अपने तरीके से वोटरों को लुभाने में, वोटरों से बातचीत करने, जनसंपर्क में अपना टाइम दे रहे हैं। इस क्रम में अगर बात करें तो पूर्वांचल में कई सीटों पे मतदान होना है अंतिम चरण में, जिसको लेकर बीजेपी अपना जहां दमखम दिखा रही है, तो वही गठबंधन भी पूरी तरीके से लगा हुआ है, जोर शोर दिखा रहा है कि किसी तरीके से अंतिम दौर में जो भी सीटें हासिल हो सके, जो भी सीटें बढ़त हो सके, उस पे गठबंधन भी काम कर रहा है। ऐसे में अगर बात करें तो बीजेपी ने अपनी पूरी ताकत दमखम से दिखा रही है। पूर्वांचल में महत्वपूर्ण सीट वाराणसी है, वाराणसी में जो संदेश जाता है वो कहीं ना कहीं अन्य सीटों पर भी इसका प्रभाव पड़ता है। यही वजह है कि वाराणसी में पूरी तरीके से बीजेपी अपना दमखम दिखा रही है, लगातार जनसंपर्क का दौर जारी है। लोग सुबह 6 बजे से ही जनसंपर्क में निकल जा रहे हैं और देर रात तक क्षेत्रों में जनसंपर्क करते नजर आ रहे हैं। बड़े कई लीडर हैं जो वाराणसी पहुंच रहे हैं, जिसकी तस्वीरें लगातार मीडिया दिखा रही है, लगातार हमारे चैनल के द्वारा भी दिखाया जा रहा है। और जिस तरीके से अंतिम दौर के वोटिंग को लेकर तैयारियों की अगर बात करें तो पोलिंग बूथ स्तर पे तैयारियां भी, सुरक्षा व्यवस्था भी मुस्तैद कर दी गई है, तैयारियां की जा रही है कि शांतिपूर्वक ये मतदान हो अंतिम चरण का, कि ताकि वोट परसेंटेज बढ़े। इसके लिए लगातार जिला अधिकारी काम कर रहे हैं, चुनाव आयोग की टीम काम कर रही है कि किस तरीके से वोट परसेंटेज बढ़े, क्योंकि लगातार देखा गया है कि वोट परसेंटेज गिरता चला जा रहा है और ये कहीं ना कहीं। ठीक है, आज आएंगे आपके पास, सूर्यवीर भी हमारे साथ मिर्जापुर से बने हुए हैं। सूर्यवीर, देखिए यही दौर अंतिम और यही दौर भारी, कहीं ना कहीं इस तरीके से लगातार जिक्र हो रहा है। आखिरी चरण है मतदान का और यहां पर कई हाई प्रोफाइल सीट्स इस चरण में जहां पर मतदान होनी है, लिहाजा काफी अहम हो जाता है। प्रचार का जो शोर है वो भी देखने को मिल रहा है। किस तरीके से मिर्जापुर के समीकरण है, समझाइएगा जी। आपको बता दें कि यहाँ पार्टी कई अंतिम दौर में ये चुनाव होना है और यहाँ पर ये स्थिति है कि 63 प्रत्याशी है, सुबह ही निकल जा रहे हैं और रात में ही लौट रहे हैं, और उनके पार्टी के बड़े बड़े नेता भी यहाँ पर आकर के डेरा डाले हुए हैं और प्रचार में लगे हुए हैं, अपने अपने पक्ष में समर्थन और वोट पाने के लिए लोग प्रयास कर रहे हैं। यहाँ पर भाजपा, सपा और बसपा तीनों की कांटे की टक्कर है, ये कोई नहीं कह सकता कि हम जीत रहे हैं। यहाँ का समीकरण जातिगत समीकरण पर आधारित है और यहाँ पर विकास के नाम पर लोग मांगते हैं वोट जरूर, पर पब्लिक जो है यहाँ की वो जाति पर ही जाती है और वोट देने में विकास के नाम पर कतराती है। ये जातिगत जो यहाँ का मामला है वो बड़ा टेढ़ा है, क्योंकि तो यहाँ पर यादव बाहुल क्षेत्र, उसके बाद लगभग 4 लाख से ऊपर है यादव, और उसी तरह 4 लाख लगभग दलित है, और उसके साथ ही बिल्कुल सुरवीर। और आप ये तमाम चीजों को लेकर के जानकारी दे रहे, डेमोग्राफी भी समझा रहे हैं किस तरीके से कितनी जनसंख्या कौन से तबके की है, इसके साथ साथ सीधे रुख करेंगे राजू का। राजू, देखिए वाराणसी की जब भी बात की जाते हैं तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक ऐसा फैक्टर साबित होते हैं जिनके आगे ऐसा देखने को मिलता है कि कहीं ना कहीं जो तमाम फैक्टर्स है वो कहीं ना कहीं फेल साबित हो जाते हैं। प्रचार की बात की जाए, आज की सियासी तस्वीर कैसे नजर आने वाली है वाराणसी की? देखिए, कहा जाता है कि वाराणसी में जो भी तस्वीर निकल कर आती है उसका असर आसपास के जिलों में होता है, और अगर बात केंद्रीय नेतृत्व की हो तो जिन भी जगह पर वोटिंग होनी है अंतिम चरण का, वो कहीं ना कहीं उस बनारस से निकली हुई तस्वीर, बनारस से जनसंपर्क की तस्वीर और विकास की तस्वीर कहीं ना कहीं उन जगहों पर असर डालती नजर आएगी जहां पर मतदान अंतिम चरण का होना है। ऐसे में बात करें तो पूर्वांचल पहले ही वाराणसी सीट को लेकर, चाहे वो विपक्षी दल हो
क्योंकि लगातार अखिलेश का भी बयान आया कि क्यूटो मात्र एक सीट है उत्तर प्रदेश में जिसपे वो जीत के लिए अभी दमखम दिखा रहे हैं, उसपे जीत हासिल नहीं कर सकते, लेकिन बाकी और सीटों पर यानी कि निश्चित ही आज की तस्वीर बेहद अहम रहेगी और जो प्रचार का सिलसिला है वो आज भी पूर्वांचल में देखने को मिलेगा। देखना होगा कि रैलियों किस तरीके से जनता के बीच संदेश देने में जो दिग्गज चेहरे उतरते हैं वो काम